वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य राजे चित्रकूटी आज आपको बसंत पंचमी पर्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। दरअसल बसंत पंचमी प्रत्येक वर्ष माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, जो ये इस वर्ष यानी सन 2020 में 30 तारीख को पड़ रही है। उसे पंचमी तो 29 तारीख को सुबह 10:46 पे लग जाएगी और 30 तारीख को दोपहर 1:20 तक रहेगी। तो हमें 29 तारीख को पंचमी न मना के 30 तारीख को ही मनाना चाहिए, क्योंकि उदय तिथि केवल 30 तारीख को ही है और 30 उदय तिथि ही मान्य होती है। बसंत पंचमी एक बहुत बड़ा पर्व है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन आप कोई भी काम, कोई भी शुभ काम अगर आप करते हैं तो इस दिन आपको सफलता मिलती है। एक बहुत बड़ा मुहूर्त होता है इस दिन। किसी भी काम अगर आप करते हैं तो किसी प्रकार से मुहूर्त पूछने की आपको आवश्यकता नहीं होती। बसंत पंचमी के दिन जो किसान है वो अपने नए अन्न को घी और गुड़ में मिला करके अग्नि को और अपने पितरों को तर्पण करते हैं। ऐसा मानना है कि बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति की भी पूजा होती है। वैसे इसमें जो पूजन विधान है तो इसका सुबह जो है आप नित्य कर्म से फ्री होकर के शरीर में मालिश करें। मालिश करने के बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको पीले वस्त्र पहनने चाहिए और पीली वस्तु यानी पीले चावल है, पीले कपड़े हैं, कोई भी पीली चीज है आपको उसको ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उसके बाद आपको गणेश जी, सूर्य भगवान, भगवान शिव जी और विष्णु भगवान की आपको गुलाल लगा के पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि आज के दिन से यानी बसंत पंचमी के दिन से ही गुलाल लगाना आरंभ होता है और इसी दिन से होली की शुरुआत होती है और होली ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक चलती है। तो इसमें माँ सरस्वती की पूजा होती है। अगर किसी के बच्चे हैं जो पढ़ाई आरंभ करना चाहते हैं तो आज के दिन बहुत बढ़िया मुहूर्त होता है। माँ सरस्वती जी की पूजन करने के बाद बच्चे को तिलक लगाएं, तिलक करने के बाद उसको विद्या आरंभ कराएं तो बच्चा आगे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है। जो ऑलरेडी पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो आज के दिन उनको भी माँ सरस्वती की पूजन करनी चाहिए। माँ सरस्वती की पूजन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और ऐसे लोगों को पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त होती है। इसका पुराणों में बहुत बड़ा वर्णन है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती देवी जी से प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया था। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान विष्णु जी ने भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण करने का आदेश दिया, जिसकी वजह से भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद भगवान विष्णु जी ने सोचा कि अब चल के देखते हैं कि सृष्टि की क्या स्थिति है। जब वो देखने गए तो सृष्टि में लोग मूक थे, बड़ी उदासीनता छाई हुई थी जिससे वो काफी दुखी हुए। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने कमंडल से हाथ में जल लिया, उसका छिड़काव किया। छिड़काव करने के बाद कुछ बूंदे वृक्षों पे जाके पड़ी। उस वृक्ष से देवी सरस्वती जी प्रकट हुई, जिनकी चार भुजाएं थी। दो भुजाओं में वो बीड़ा लिए हुए हैं, एक भुजा में वो पुस्तक लिए हुए हैं, एक भुजा में वो माला लिए हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी जी को आदेश दिया कि आप बीड़ा वादन करें, बीड़ा बजाएं। तो सरस्वती देवी जी ने जब बीड़ा बजाया तो जीवों प्राणियों के अंदर बोलने की क्षमता आ गई, मतलब वो बातचीत करना शुरू कर दिए, एक दूसरे से संवाद करने की स्थिति बन गई। फिर उन्होंने सप्तविधि स्वर का ज्ञान कराया जिसकी वजह से उनका नाम सरस्वती पड़ा। सरस्वती विद्या की, ज्ञान की देवी है। माँ सरस्वती संगीत की देवी है। जो भी विद्या अध्ययन करते हैं, जो भी संगीत सीखते हैं उनको माँ सरस्वती की का पूजन करना चाहिए और बसंत पंचमी बहुत बड़ा दिन होता है माँ सरस्वती जी का पूजन करने के लिए। तो दोस्तों ये रही बसंत पंचमी की पूजन विधि और कहानी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।